पंजाब की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तब भी बहुत बड़ी थी, आज भी बहुत बड़ी है, वहाँ पैसा बहुत है। तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ अपने लिए अपनी ही मर्जी से गाने बनाता हूँ, किसी और के लिए गाने नहीं बनाता हूँ। मुझे कन्विक्शन आती है जिस गाने पे, उसको ही मैं रिलीज करता हूँ। यो, आपके साथ ऐसा हुआ जब काम नहीं आया, या आपको लगा कि यार अभी मुझे कुछ काम करना पड़ेगा कि काम आए दरवाजे से अंदर? एक्चुअली मैं मेरा पहला गाना एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, और मैंने उसमें अंग्रेजी में गाया था, वो हाँ 2005 में आया था। गाने का नाम था खड़के गिलासी। तो आई ठीक है, रिमेम्बर तेने सॉन्ग ते खड़के खड़के कड़के गिलासी तेरे नाते। तो वो बीबीसी एशियन चार्ट्स में नंबर वन पे गया, बहुत दिल्ली में बहुत चला, थोड़ा बहुत बॉम्बे में चला, थोड़ा बहुत पंजाब में चला। लेकिन उसके बाद ना मेरे पास काम नहीं था, क्योंकि यूके की जो इंडस्ट्री थी वो भी भंगड़ा बना रही थी, और पंजाब की इंडस्ट्री थी वो भी सिर्फ भंगड़ा बना रही थी। तो मैं सिर्फ हिप हॉप पे फंसा हुआ था। मुझे था यार, मुझे हिप हॉप ही बनाना है, मुझे अर्बन म्यूजिक ही बनाना है। तो उस वजह से मेरे पास 2-3 साल काम नहीं था। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि यार मेरे को चंडीगढ़ में ही बेस बना के, जो रीजनल मार्केट है पंजाब की, अगर मैं हाँ उस जी पर थोड़ा टाइम काम करूँ तो खर्चा पानी निकल आएगा। फिर 2007 से लेके 2010 तक मैंने बहुत सारा काम किया पंजाब के अंदर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और एज अ रैप आर्टिस्ट। फिर मैंने कहा यार अब बहुत हो गया, पैसे भी ठीक ठाक मिल गए हैं, क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तब भी बहुत बड़ी थी, आज भी बहुत बड़ी है, वहाँ पैसा बहुत है। तो अच्छा खासा पैसा कमाया। मैंने कहा यार अब बहुत, मैंने काफी लोगों के लिए गाने लिखने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो गाने उन लोगों को समझ में नहीं आते थे क्योंकि बहुत फ्यूचरिस्टिक थे। तो हाँ मैंने ये गाना लिखा था, कुड़ी है नी तेरे ब्राउन रंग ने, मुंडे पट दे नी सारे मेरे टाउन दे, कोई कम ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां कोई मुंह लावे ना। तो मैंने कहा यार गोरी लड़कियां तो लोग हमारे नॉर्थ इंडिया में तो वही गोरी मेमो के पीछे भागते हैं कई सालों से, तो ब्राउन हाँ लड़की के बारे में बात करनी चाहिए। तो मैंने वो दिलजीत भाई को गाना दिया। मैं कहा भाई ये गाना गाओ, कहता नहीं भाई यार इसमें बहुत अंग्रेजी है, ये सब नहीं चलेगा। फिर हमारे यूके के बहुत बड़े सिंगर हैं, मेरे अच्छे भाई हैं बड़े, जस्सी सिद्धू, तो हाँ उनको मैंने दिया। मैं कहा भाई जी आप गाओ। तो वो ब्रिटिश आर्टिस्ट होने के बावजूद उन्होंने वो गाना नहीं गाया। तो मैंने कहा भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैं कहा भाई ये गाना मैं गाऊंगा। तो वाह दैट वाज माय फर्स्ट सोलो सॉन्ग। तो उससे पहले मैं वो गाने बना रहा था क्योंकि मुझे जिससे पैसे कमाने थे पंजाब में। इस गाने के बाद मैंने कहा मैं वो बनाऊंगा जो मुझे पसंद है और वो दुनिया सुनेगी। क्या बात है, क्या तो बात है। आई हैव टू से तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ अपने लिए अपनी ही मर्जी से गाने बनाता हूँ, किसी और के लिए गाने नहीं बनाता हूँ। मुझे कन्विक्शन आती है जिस गाने पे, उसको ही मैं रिलीज करता हूँ। अमेजिंग, टू अमेजिंग आर्टिस्ट, टू अमेजिंग सेल्फ मेड पीपल। लेकिन इससे पहले हम ये इंटरव्यू खत्म करें, वी हैव अ क्विक रैपिड फायर। जैसे आपने कहा कि भाई आप एक वर्ड बोलते हैं और आप उसके अराउंड गाना बनाते हैं, हमने सोचा कि भाई हम एक वर्ड लेकर आएंगे और आप दोनों उसके अराउंड हमें अपनी मेमोरी बताएंगे या स्टोरी बताएंगे। अगर दैट इज एनी गाना नहीं बनाने नुशरत इतनी अनफेयर नहीं हूँ मैं नहीं, इतनी अनफेयर नहीं हूँ। ओके, लेट्स क्विकली गेट इनटू इट। पहला वर्ड दारू, नुशरत सॉरी। मेरे सारे गानों में दारू है, बाय द वे। एवरी सॉन्ग आई डू गानों के दिस बाद मैं दारू लाइफ मेमोरी के बारे में बात सॉन्ग। करूँ। अच्छा, रियल लाइफ स्टोरी। हाँ, रियल लाइफ स्टोरी। मैंने अपनी पहली दारू की सिप अपने पापा के साथ बैठ के पी थी, पापा मम्मी के साथ। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था विस्की, विस्की से ही, ओ गॉड। और मैंने एक हॉल में बैठ के उनके साथ उनकी ग्रुप पार्टी में दारू पी थी। वेरी, दैट वाज वेरी क्या स्वीट। बात है। ओके, हाँ, यो, पपीता। पपीता, पपीता मेरा ब्रेकफास्ट, पेट को साफ रखता है जो। ओके, हाँ सच्ची नुशरत, हीरा। हीरा, हीरा है सदा के लिए, लड़का तो नहीं मिल रहा, हीरा पहन लेती हूँ, बेटर हीरा है। सदा के ओके, यो, माँ। माँ, लाइफ 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 स्टोरी बतानी है, कोई इंसिडेंट बताना है जो आपको वो नाम सुनकर याद आता है। बहुत बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ रहा था। तो
मेरे को लग रहा था यार ये सब छोड़ दूं, पापा भी कह रहे थे यार तो कुछ कमाता धमाता नहीं है। 2-3 साल बिल्कुल बहुत बुरे हालात थे, दोस्तों ने आर्थिक मदद करी, पैसों की मदद करी, लेकिन मम्मी ये मेरे को कहती थी कि अगर तेरे को लगता है ना कि तू कर सकता है तो अड़ा रहे और तू कर लेगा। Very nice. ये छोटी स्टोरी बता। Very nice. Rishad, Kamina. Kamina. इश्क, इश्क, इश्क कमीना. Sorry. अब लोगों को कमीना नहीं बोल सकती, इमोशनली कमीना है. इश्क कमीना ब्रो. इश्क कमीना. ओके, लास्ट वन फॉर बोथ ऑफ यू, और आप दोनों को मुझे इसके बारे में एक स्टोरी बतानी है. दैट इज लक. लक. मैंने तो बता दिया आई थिंक. हाँ मैंने बता दिया, आई थिंक आई एम वेरी लक्की. मुझे एलएसडी मिली, पीकेपी मिली, और हनी सर माय बिगेस्ट हिट ऑफ माय करियर इन सॉन्ग्स इज विद दिल चोरी एंड हिम. सो दे ऑल लक. यो यो लक फॉर यू. कोई स्टोरी आपको याद आती है लक से? मुझे काफी सारी स्टोरीज याद आती हैं. सब कुछ मेरे को लगता है कि आपकी मेहनत तो काम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत काम आती है. और मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ, लोग बोलते हैं कि यार मैं तो अकेला स्ट्रगल किया, किसी ने मुझे मदद नहीं करी, लेकिन मेरे को हर पड़ाव पे कोई ना कोई मिला. मेरी किस्मत थी, मुझे अशोक मस्ती जी मिले, जो पहला गाना था मेरा 2005 में, आपको भी बताया. उसके बाद काफी सारे आर्टिस्ट मिले, दिलजीत भाई मिला. उसके बाद कहानी बहुत खराब हुई तो शाहरुख खान भाई ने मेरे को हाथ पकड़ा, और फिर उसके बाद बच्चन साहब के साथ काम किया, सलमान खान के लिए गाने बनाया, तो सलमान भाई के लिए. तो मुझे लगता है कि लक डेफिनेटली काम करता है. और लेकिन ये होना चाहिए कि जब आपकी किस्मत खुले, जब आपका लक आपके पास आए, तो बंदे में खुद भी कैलिबर होना चाहिए, अपनी तैयारी पक्की होनी चाहिए कि हाँ लक आया तो लक को वेस्ट नहीं जाने देना. वाह तो क्या बात कही है आपने. अमेजिंग. लक आया तो उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए. ऑन दैट कैन वी क्लोज ऑन दिल चोरी? सैया जी के लिए आए थे, दिल चोरी से क्लोज करते हुए जाएंगे. सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लख रोका था यारों ने, ये ना कर तू मनमानी, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए की करिए, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए की करिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट सैया जी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड.